Ladies and gentlemen, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Education is the key to unlock the doors of freedom. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. एजुकेशन से रिलेटेड स्किट के लिए मैं स्टेज पर बुलाऊंगा स्कूल हाजा की तालबात रमीशा जहरा लाइबा नशरा अंजला नताशा अरीबा आसिफ अरीबा मलिक अरीबा रजा जरमीन और एमन गुल को फॉर फनी स्किट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ਜੱਲਦ ਅੱਬਾ ਸਵੇਂਦੇ ਪੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵੈਂਦੀ ਪਈ ਆਂ ਅੱਛਾ ਵੰਜ ਵੰਜ ਭੋਲਾ ਓ ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਬ ਸੇ ਬੁਲਾਈ ਥੀ ਕਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਆਈ ਯਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ सोलर प्लेट एंड आए गई हैं कैसे हवा के चक्कर नाल अच्छा मेरी बात अब गौर से सुनो आज मेहमान आ रहे हैं मुझे देखने के लिए जब वो आए ना तो उनका अच्छे से इस्तकबाल करना और गुड मॉर्निंग कहना जी गुड मॉर्निंग जी मैडम जी अगर वो तुमसे पूछे ना वो कैसी दिखती हैं तो कहना एमए पास है जी एमए पास जी मैडम जी अगर वो तुमसे पूछे वो कैसी दिखती हैं तो कहना ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल जी मैडम जी अगर वो तुमसे पूछे ना वो कहाँ गई हैं तो कहना शॉपिंग करने मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ उनका अच्छे से इस्तकबाल करना जी मैडम कमीन कैसे लाए बैठी हैं अंदर आ जाएं अच्छा ही में आखना बाहर इतना शोर क्यों मचा रखा है ये आपका घर नहीं ऑफिस है मैं शोर का ना मचाया है तो आप आ जाएं कमीन अच्छा आप बैठ जाएं जी बताएं आप यहाँ किस सिलसिले में आई हैं मैं अपनी दीदा मिशन करावन आई हूँ मिशन दाखला ओके ओके एडमिशन करवाने आई हैं हाँ हुआ अच्छा बच्ची का नाम बताएं इसका नाम है झल्लो रानी रियल नेम बताएं ए रियल के सोन जी हैं असल नाम बताएं बच्ची का अच्छा असल नाम है जुलेखा बेगम अच्छा ये कितने साल की हैं ए दो साल दिए देखने में तो ये पांच साल की हैं चुप कर मैडम तू ही दिमाग है कि मैं ही दिमाग है अच्छा आप ही हैं इसकी माँ आगे क्या है इनके बाप का नाम बताएं बाप का नाम बताएं ना ओके ना सारे हैदराबाद इलाके गणे का नाम नहीं चवींदा रजिस्टर में लिखना तो जरूरी है अच्छा तो लिख के झल्लो दे अब्बा नहीं असल नाम बताएं दूध दूध भी कोई नाम होता है क्योंकि दूध भी दूध के अमरे अंदर आंदे ते दा भी दरंद हो तो दुकान भी कोनी अच्छा मक्खा हां हां मक्खा बस मक्खा जाकर नून लाचा मक्खन हाँ हाँ हुआ क्या बच्ची को पढ़ना आता है हाँ मेरी दी मऊ सही ने अंग्रेजी पर पढ़ गिन दिए चल चलो उठा कर अम्मो सुना सुना ए टू जी ठीक है मेरी दी का मिशन ठीक है देखेंगे देख सो क्यों पता है मैं बहुत खतरनाक मैं तेरे स्कूल ही बंद करवा सकती हूँ आप मुझे धमकी दे रहे हैं मैं धमकी ना रहे मैं वार्निंग देंगी भैया अच्छा अच्छा हो जाएगा पता नहीं कैसे कैसे लोग उठ के आ जाते हैं चोला बोस की दा चोला वे चोला बोस की दा चोला बोस की दा चोला वे चोला बोस की दा तेरे नाल बनाए मसांगा तेरे नाल बनाए मसांगा तुझे कौन हो गोडे मार आओ आओ आपकी मैडम कहाँ गई है शापर चुनन गई है शापर चुनने इतनी आपकी मैडम कहाँ तक पढ़ी हुई है एमए पास हमें तो बताया था एमए पास कैसी दिखती है आपकी मैडम बूटी फुले बूटी फुल इन्हें कुछ ही चाहिए
ब्यूटीफुल तुपता गया था वो ब्यूटीफुल। हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना, तुम्हारी मैडम अनपढ़ है, शॉपर चुनने जाती है, और हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना। मेरे सिस्टर का चार्ट अच्छा घटाया था, मैं निर्वाह भोला। ओ भोला किथे मर गया? जी साहब जी। तू कौन है? मैं भोला दे फिरा। भोला किथे? भोला सूर्य कब तू बाहर गई है? अच्छा वन देख कौन है? कौन? मैं डाकिया डाकिया। साहब जी मार जा, तू आ गई है। मेरा डंडा किथे है? डंडा तू डाकू है? शक्ल नाल तो नहीं दिसदा। मैं डाकू नहीं, डाकिया अनपढ़। अच्छा केड़ा गम है? तुम्हारी चिट्ठी आई सी, इसनू दे। चिट्ठी दे दो दो, इथे साइन करो। इससे केशे होंदी है, अंगूठा ला दो। रुक, पढ़। मैं नहीं पढ़ना आता। इसनू दे। पढ़। चिट्ठी विच लिखा ताड़ा भरा मर गया। हाय हाय मेरा भरा, मेरा भरा सब आओ देखो मेरा भरा मर गया। हाय 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 क्या हुआ, इतना शोर क्यों किया हुआ है? मेरा भरा मर गया है, चिट्ठी विच लिखा है। दिखाओ चिट्ठी। इस चिट्ठी में लिखा है मैं हरिया से हूं, आपका भाई पखर से वापस आ रहा है। तू मैनू गलत क्यों दसा है? मैं ध्यान पढ़ा। बस पढ़ा क्यों? तुझे झड़ गया थे, मैं डर गया थे, मैं पढ़ दिता। अच्छा चल दफा हो जा, मैंने 50 रुपए दवा। किस वास्ते? एक तो तू मैनू गलत दसा है, दूजा तू पैसे मांगदा है। मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी की थी ना। चल दफा हो जा, मैं अनपढ़ कोल एक 50 रुपए का नोट भी। भोला ओ भोला भोला। जी मैडम जी। गेस्ट कहाँ है? लगे गए। कहाँ चले गए? घर लगे गए। क्यों? उन्हें कहा तेरी मैडम शापर चूड़न में दिए, एमए पास है, बूटी फूल है, कुछ नहीं है। उफ मैंने तुम्हें क्या कहा, तुमने क्या बोल दिया? दफा हो जाओ इधर से। मैडम जी नकल, मैं गरीब गिरे पैसा। मैडम जी चले जाओ इधर से। के हुआ छोरी, के हुआ? उस पागल जाहिल गवार को मैंने क्या सिखाया था, उसने क्या बोल दिया? सारे मेहमान चले गए, मेरा रिश्ता टूट गया। हे ओ भोला ओ भोला। जी साहब। की कीता है? मैं तो जेडी समझ आई मैं वो कीता है। चल तो फौज है, मैंने कोनी रोए से अन पर मुलाजिम दी। साहब जी नकल, मैं गरीब किदे वैसा। साहब जी नकल। चल तो फौज आ। मेरी वजह तो आज मैडम का रिश्ता टूट गया है, मैं अनपढ़ हूं, मैं जेल है, इससे दी वजह तू। बोला तो रोने में साहब जी ना दिया। साहब जी मेरे फिर आना कट हो, बेचारा अनपढ़ जाहिल है, फर्ज सवाल तो कोई नहीं। चल अच्छा अच्छा सोचता मैं। चल भोला परेशान थी, साहब जी आखिर से रख दिन से वापस। अच्छा ठीक है। मौजूद नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, एक अनपढ़ मुलाजिम की वजह से एक पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता नहीं हो सका। एक अनपढ़ औरत की वजह से उसकी बच्ची का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में नहीं हो सका। अनपढ़ होने की वजह से ऐसी बहुत सी गलतियां हो सकती हैं जिनकी सजा शायद हमें जिंदगी भर भी भुगतनी पड़ सके। एक किसी ने क्या खूब ही कहा है, हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस मुल्क का आगाज ही इकरार से हुआ था। थैंक यू। ये थी अलाइट स्कूल कोड की नन्ही परियां जो कि एजुकेशन को हाईलाइट कर रही थी।